करूंगा, आप देखे तथा समझे। मेरे लिए देश हथियार के पीछे लाइन बंद। नीलिंग पिशन, ठीक है, आते ही पहले क्या होता है, नीलिंग पिशन। नीलिंग पिशन ऐसे होती है, ठीक है, आप ऐसे भी हील के, अपनी हिप को हील के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। रैफल को उठाना है, रैफल को बायां हाथ फ्रंट एंड गार्ड पे, ठीक है, ये है फ्रंट एंड गार्ड, और बट को कमर में जमाना है, दाहिना हाथ और कलमे वाली उंगली ट्रिगर गार्ड पे, और यहाँ पे किया गया है ये पिस्टन ग्रिप, यहाँ तक बनता है ये ग्रिप, क्यों बोलते हैं हम यहाँ से ग्रिप करते हैं, ठीक है, लेकिन सांस का ग्रिप कहाँ होता है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं हम, सबसे पहले राइफल में जब भी खोलते हैं तो सबसे जो पहले पुर्जा पहले खोला गया सबसे बाद में जुड़ा जाएगा, ठीक है, इसके दो ही पुर्जे खोले जाते हैं, एक इसका केस कलेक्टर, एक इसका बोल्ट, ठीक है। अब देखें कि देने वाले हाथ कलमे वाली देने हाथ की कलमे वाली उंगली को केस कलेक्टर के एच को दबाते हुए केस कलेक्टर बाएं हाथ से केस कलेक्टर को नीचे की तरफ खींचा जाता है। देखें इस प्रकार, अभी बायां हाथ फ्रंट एंड गार्ड पर, ठीक है, देने हाथ को हुक बनाते हुए बोल्ट नोब को ऊपर की ओर उठाते हैं, देखें इस प्रकार, और बोल्ट को पूरा पीछे खींच देते हैं, ठीक है, बोल्ट हेड को कलमे वाली उंगली से ऊपर की ओर उठाते हैं और बोल्ट को बोल्ट वे से जुदा कर देते हैं। ये था राइफल का खोलना। खोलने में किसी का कोई डाउट? नो सर। जो पुर्जा सबसे पहले खोला गया सबसे लास्ट में जुड़ा जाएगा। अभी साहिबान ध्यान रहे, दो या दो से अधिक राइफल खुला हो तो पुर्जों को मिलाकर ही जोड़ा जाए, ठीक है, पुर्जों को साफ और ग्राउंड शीट पर ही रखा जाए और पुर्जों को तरतीब बार रखा जाए, जैसे राइफल केस कलेक्टर बोल्ट, ठीक है। और यहीं से बताऊंगा राइफल का जोड़ना, बोल्ट को लें और राइफल के नंबर्स को चेक करें और बोल्ट के नंबर्स को चेक करें, बोल्ट के नंबर कहां पर होते हैं, बोल्ट नोब पे, ठीक है, बोल्ट हेड को ध्यान रहे, बोल्ट हेड के थ्रेड लूज ना हो तो नहीं तो ये राइफल नहीं जुड़ेगी, ठीक है। बोल्ट हेड को बोल्ट वे की सदाई में करते हुए बोल्ट को आगे की ओर धकेलें, जब तक बोल्ट हेड अपने स्टॉपर के साथ नहीं टच होता, और बोल्ट को बोल्ट हेड को नीचे की ओर दबा दें और बोल्ट को आगे की ओर धकेल दें, ठीक है, जहाँ तक बोल्ट अपने वे में पहुँच चुका है, उसके बाद जबकि आप बोल्ट को आगे पुश और प्रेस करना है, ठीक है। देखें इस प्रकार यहाँ पर राइफल आपकी कॉक होगी, कॉक मतलब फायर के लिए तैयार होगी, ठीक है। बाएं हाथ से केस कलेक्टर को लगाएं, केस कलेक्टर का छोटे वाला भाग आगे आगे की ओर झुकाते हुए केस कलेक्टर वे में दाखिल करें और केस कलेक्टर को दबा दें ऊपर की तरफ। जब केस कलेक्टर लग जाता है तो टक की आवाज आती है, ठीक है, यकीन करें केस कलेक्टर लग चुका है। देखें इस प्रकार, ठीक है, राइफल को पॉइंट ऑफ एम करते हुए कंधे में ले जाएं, सिस्त लेते हुए ट्रिगर को प्रेस करें। ये था राइफल का जोड़ना। राइफल का जोड़ने में किसी का कोई डाउट?